हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड लॉजिक्स। आज हम बनाएंगे बिल्कुल इजी फटाफट से बन जाने वाली चिकन बिरयानी। ये बिरयानी हम एक ही पॉट में बनाएंगे, यानी कि प्रेशर कुकर में बनाएंगे। किसी भी ओकेजन के लिए, डिनर के लिए, लंच के लिए ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। ये देखिए, एकदम जूसी चिकन रहता है इसमें और बहुत ही अच्छे से और जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, लेट्स स्टार्ट कुकिंग। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स समझने के लिए, जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आप भी पूरी तरह परफेक्ट बिरयानी घर पे ही बना पाएंगे। चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमने थोड़े से राइस लिए हैं। मैंने थोड़े मोटे राइस लिए हैं। इनको हम बहुत अच्छे से 3-4 बार मल मल के बहुत अच्छे से धो लेंगे। राइस धोकर हम इन्हें आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। जब तक राइस सोख होते हैं तब तक हम चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चिकन को पिंच करेंगे ताकि सारे मसाले इसमें जा सके। मैरिनेट के लिए अगर आपके पास गाढ़ा दही नहीं है तो इस तरह एक छलनी में आप थोड़ा दही डाल के छोड़ दीजिए। दही अपने आप सारा पानी छोड़ देगा। इस गाढ़े दही को हम चिकन में मिक्स करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले, जैसे कि लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ में डालेंगे जीरा पाउडर और इसके साथ ही थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा बिरयानी मसाला। इन सब मसालों के साथ हम ऐड करेंगे लेमन जूस और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके छोड़ देंगे। मैरिनेटेड चिकन में हम नमक नहीं डालेंगे, नहीं तो ये बहुत पानी छोड़ देगा। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है हम बिरयानी मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले कुकर में हम तेल गरम करेंगे। इसमें हम डालेंगे पतला लंबा कटा हुआ प्याज। इसको हम लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पे भून लेंगे। बिल्कुल ब्राउन होने तक हमने भूनना है। ये देखिए, हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम ऑयल में हम थोड़े से काजू फ्राई कर लेंगे। इनको हम गार्निशिंग के टाइम पे यूज करेंगे। काजू फ्राई करने के बाद हम सेम ऑयल में डालेंगे थोड़ा सा जीरा और साथ में कुछ खड़े मसाले, जैसे कि तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और इन सब को हम जीरे के साथ डाल देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। साथ में ही हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ टमाटर। प्याज और टमाटर को हम खड़े मसालों के साथ मीडियम आंच पे 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। मैंने साथ में हरी मिर्ची भी डाली है, ये ऑप्शनल है, आप भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं डालूंगी 2 चम्मच सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर बिरयानी में बहुत ही अलग सा टेस्ट दे देता है, एकदम लजीज बिरयानी बनती है। सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है बिरयानी में। ये एक सीक्रेट मसाला भी है जो आप ऐड कर सकते हैं। साथ में डालूंगी जरा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी मैरिनेशन में भी जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है तो इस समय हम थोड़ा डालेंगे। और इसके ऊपर ही हम डाल देंगे हमारे ब्राउन किए हुए प्याज। अब इन सबको हम टमाटर के मशी होने तक बहुत अच्छे से भून लेंगे। बस एकदम टमाटर हमारा पूरी तरह से गल जाए, इतने टाइम तक हमें इसे भूनना है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपना मैरिनेटेड चिकन। मैरिनेटेड चिकन ऐड करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। मीडियम आंच पे ही हमने सारे मसालों के साथ अपने चिकन को भूनना है। आप फूड लॉजिक्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे भी मैं बहुत सारी रेसिपीज, वीडियोस, फोटोज, आने वाली रेसिपीज की इंटीमेशन शेयर करती रहती हूँ। और हाँ, इंस्टाग्राम पे तो मैं रिटर्न रेसिपीज भी शेयर करती हूँ। अब इसमें हम ऐड कर देंगे नमक और नमक के साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। बहुत सारे मसाले हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि मसाले हमने ऑलरेडी मैरिनेशन में भी डाल दिए। अब इन मसालों के साथ हम चिकन को बहुत अच्छे से भून लेंगे। अगर आप अपनी बिरयानी को एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा तेज बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा चिकन अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सोक किए हुए चावल। धीरे धीरे से हमने सोक किए हुए चावल इसमें ऐड कर देने हैं और इन्हें हल्के हाथ से हिलाना है ताकि हमारे चावल टूट ना जाएं। चावल और चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ब्राउन किए हुए प्याज जो हमने पहले से ही तल के रखे हुए थे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। बस पानी हमें थोड़ा सा ही ऐड करना है जिसमें हमारी बिरयानी बस अच्छे से डूब जाए। ये देखिए, पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब हम कुकर को कर देंगे बंद
और एक विसल आने तक कुकर को गैस पर ही छोड़ देंगे। एक विसल आने के बाद हम गैस को सिम कर देंगे और कुकर को गैस पर ही अगले 2-3 मिनट तक छोड़ देंगे। 2-3 मिनट के बाद हम गैस को कर देंगे बंद और कुकर को गैस से उतार लेंगे, लेकिन कुकर को हम 5-7 मिनट तक रेस्ट करने देंगे, तब तक कि सारा प्रेशर निकल जाए। उसके बाद ही हम कुकर खोलेंगे। वाव, क्या खुशबू आ रही है! एकदम मजेदार बिरयानी बनके हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए, एकदम खिले खिले चावलों वाली बिरयानी बनके रेडी हुई है। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। जब हम रेस्टोरेंट से बिरयानी लाते हैं उसमें एक खास तरह की स्मेल होती है और एक खास तरह का फ्रेग्रेंस होता है, तो वो सब इस केवड़ा एसेंस की वजह से ही होता है। केवड़ा एसेंस ऐड करने के बाद हम इसे रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है। इस रेड कलर से आपकी बिरयानी में कोई भी फ्लेवर या टेस्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, खाली लुक एंड टेक्सचर का फर्क होगा। आप चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। अब हम बिरयानी को हल्के हाथ से हिला देंगे। बिरयानी हमारी अच्छे से पक गई है। ये चेक करने के लिए बिरयानी हम साइड करेंगे। ये देखिए, कुकर के नीचे एक भी बूंद पानी नहीं है, जरा भी पानी नहीं है। इट मींस बिरयानी हमारी परफेक्टली कुक हो गई है। बस अब ये सर्विंग के लिए एकदम रेडी है। एक पीस हम चेक कर लेते हैं। देखिए, एकदम परफेक्ट टेंडर जूसी चिकन पीस है इसमें। एकदम परफेक्ट बिरयानी बनके रेडी हो गई है। आप भी ये बिरयानी जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। मैंने और भी बहुत राइस रेसिपीज शेयर की हैं, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। अब हम बिरयानी को गार्निश करेंगे थोड़े से धनिया के साथ, थोड़े से ब्राउन किए हुए प्याज के साथ और साथ में तले हुए काजू के साथ। सर्व करने के बाद मैं आपको एक पीस और चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, कितना टेंडर और जूसी एकदम परफेक्ट चिकन पक्के इसमें रेडी हुआ है। एकदम परफेक्ट बिरयानी हमारी बनके रेडी हो गई है। है ना, एकदम इजी और परफेक्ट रेसिपी, बड़ी क्विकली बन जाती है। न्यू ईयर डिनर के लिए तो ये एकदम परफेक्ट चिकन बिरयानी रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो लोड करूँ तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।